हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और ये मोदी 2.0 का पहला विस्तार है। 15 कैबिनेट समेत 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें 7 महिला मंत्री शामिल हैं। थोड़ी ही देर में विभागों का बंटवारा होने वाला है, कयास तमाम लगाए जा रहे थे, अटकलें तमाम थी, लेकिन कई सारी चीजें आज हुई जो कि चौंकाने वाली थी, जिनमें शामिल रहा रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा, प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा। जो चेहरे आप देख रहे हैं ये सब शपथ ग्रहण का है, जिसका कई ऐसे मंत्रियों को प्रमोशन भी मिला जो अभी तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, जो अब एक फुल कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण का इस सिलसिला शाम 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई और अब ये उम्मीद की जा रही है किसी भी समय विभागों का के बारे में जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को शुभकामना दी है और कहा है कि मोदी सरकार आगे भी अपना कामकाज उसी तरीके से करती रहेगी। ये जो चेहरे आप, हरदीप सिंह पुरी हो गए या फिर आर के सिंह हो गए या अनुराग ठाकुर, ये सारे वो चेहरे हैं जिन्हें प्रमोशन दिया गया है, जिन्हें आज के मंत्रिमंडल विस्तार में एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। किरण रिजिजू भी इनमें शामिल हैं। तस्वीरें अनुराग ठाकुर की आप देख रहे हैं, राज्य मंत्री वित्त विभाग में यानी वित्त राज्य मंत्री, लेकिन अब नया प्रभार क्या होगा ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, एलिवेशन प्रमोशन है आपका एक तरीके से, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आपने? आभारी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैं आभारी माननीय प्रधानमंत्री जी का, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृहमंत्री जी का, जिन्होंने जिम्मेदारी दी है। मैं प्रयास करूंगा उनकी आशाओं के अनुरूप काम कर सकूं। बिल्कुल, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में, सर क्या अपेक्षाएं हैं? ओके मैम, थैंक यू। ये थे अनुराग ठाकुर जो बात कर रहे थे हमारे साथ। एक तरीके का इनका प्रमोशन देखा गया, एलिवेशन हुआ है और पहले भी एमओएस फाइनेंस रह चुके, कैबिनेट की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनकर आज शपथ लेते हुए अनुराग ठाकुर जी सामने आए हैं। और फिलहाल घर पर आप देख सकते हैं इनके कई लोग यहाँ पर जमा है, इनको बधाई देने के लिए आए हैं और एक तरीके से जो प्रमोशन जो दिया है प्रधानमंत्री ने उसके लिए हमें धन्यवाद करते हुए अनुराग ठाकुर जी। विनोद कुमार के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। जिम्मेदारी सौंपी तो एक ऐसे समय में जब बड़े बड़े जो मंत्री थे उनका इस्तीफा हुआ है, ऐसे में अगर किसी को प्रमोशन मिल रहा है तो जाहिर है वो अभी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बताकर शायद उस मौके को जाया नहीं करना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर जो कि एमओएस रहे लेकिन अब कैबिनेट मंत्री होंगे, कुछ देर में विभाग के बारे में तस्वीर साफ हो जाएगी। कैबिनेट मंत्रियों की जो शपथ हुई है उसमें ये 15 चेहरे आपके सामने इस समय आप देख रहे हैं। नारायण राणे से शुरुआत हुई थी, सर्बानंद सोनोवाल दरअसल असम जाने से पहले, असम के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी केंद्र में मंत्री थे, लेकिन वो पद छोड़कर असम गए थे, मुख्यमंत्री बने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी आए, उस समय से यह कयास थे कि क्या उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और आज शपथ उन्होंने ली है, क्या कहा है इसके बाद सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे प्रदान की है, मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। मैं अपनी प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता और देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ
जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब, जब जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ते। ये बहुत अच्छा, मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? Sir, this is the youngest cabinet which is formed. How do you respond to that, sir? अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस आपको लगता है कि वो काम आया? जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए, जब भी और जहाँ भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम आज मुझे देश की हमारे आदर्शवादी नेता, हमारे सब के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दूसरी बार के लिए भारत माता को सेवा करने के लिए मौका दिया है, अपने कैबिनेट में जगह दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब जो भी जिम्मेदारी देते हैं वो डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेवलपमेंट के साथ और काम करने वाले हैं। आने वाले दिन में जो भी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी देते हैं वो काम और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। जाहिर है एक MOS रहते हुए किस तरह का प्रदर्शन रहा उनका, अपने अपने काम, अपना अपना कामकाज कैसा रहा, आज प्रमोशन अगर पाए हैं तो आने वाले दिनों में देखना है कि विभाग क्या। अब उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत कयास थे कि क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कई नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो हाँ, 7 चेहरे ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल जो कि मोदी 1.0 में मंत्री जरूर थी, लेकिन दूसरी बार जब 2019 में सरकार वापस लौटी तब अनुप्रिया पटेल का चेहरा वहां से नदारद था। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर अनुप्रिया उसका हिस्सा हो गई है। ये तमाम वो 7 चेहरे जो कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग अगर आप जातिगत समीकरण के हिसाब से भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसमें साधते हुए एक प्रयास दिख जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के ये 7 नए मंत्री हमारे सामने हैं। कई ऐसे चेहरे भी रहे हैं जो अब इस मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कुल मिलाकर इस विस्तार में दबदबा रहा है। आज तक पर हमने आपको यही जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में। अनुप्रिया पटेल अपना दल की के तौर पर 2014 में आई थी मंत्रिमंडल में, आज विस्तार में उन्हें एक बार फिर मोदी 2.0 का हिस्सा रहने का मौका मिला है। शपथ ग्रहण के बाद जितने भी वो नए चेहरे, तमाम नए मंत्री सब बाहर निकलते रहे, वहां पर हमारे संवाददाताओं ने उनसे कई सवाल दागे हैं, लेकिन अभी सबको इंतजार है कि एक बार सार्वजनिक तौर पर बता दिया जाए कि विभागों का बंटवारा होने के बाद किसके हिस्से में कौन सा विभाग आ रहा है और उसके बाद आगे। किरण रिजिजू में लगातार सरकार ने अपना विश्वास बनाए रखा है, अलग अलग मंत्रालयों का जिम्मा उन्हें मिला है, लेकिन अब नई जिम्मेदारी जो होगी वो एक स्तर ऊपर यानी एक प्रमोशन के साथ आएगी। अनुप्रिया पटेल को केवल एक सांकेतिक सा विभाग यहां पर मिलने वाला है उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर, या कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हो सकती है वो भी अभी देखना है। जिन चेहरों को, जो अब तक चेहरे कैबिनेट में और सबसे प्रमुख चेहरों में नजर आते थे, उन चेहरों पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ, कानून मंत्री, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा हुआ, संतोष गंगवार का इस्तीफा हुआ, श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे थे बाबुल सुप्रियो जो कि अभी तक 2014 के बाद से मंत्री थे लेकिन उनका भी इस्तीफा लिया गया, देवश्री चौधरी ये भी बंगाल से, उनका भी इस्तीफा हुआ, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, ये सारे वो चेहरे जल शक्ति मंत्री रहे थे कटारिया, प्रताप सारंगी उनका इस्तीफा हुआ और साथ में थावरचंद गहलोत जो कि पहले ही उनको दूसरी जिम्मेदारी दे गई चुकी, लेकिन ये बड़े चेहरे कुछ जिसमें
जिसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नाम, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे बड़े नाम, लेकिन जेडीयू को लेकर, जिसके लिए बताया जा रहा था कि जेडीयू की ओर से चार मंत्रियों की मांग की जा रही है, लेकिन एक ही मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, एक ही मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में रहे, चार नहीं बल्कि केवल एक। एलजेपी को लेकर भी इस तरह के कयास थे कि क्या हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान अपनी तरफ से पहले दिन से ही कह रहे थे कि अगर एलजेपी के कोटे से उनके चाचा को मंत्री बनाया जाता है तो वो कोर्ट तक जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने आगे भी किया। अब गुजरात देख लीजिए, गुजरात के भी पांच मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं, ये पांच चेहरे हम आपको उसमें दिखा रहे हैं। इसमें कैबिनेट और एमओएस के रैंक का अलग अलग प्रतिनिधित्व यहां पर जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो नए चेहरे हमने देखे हैं उसके अलावा आप गुजरात के ये पांच चेहरे देख सकते हैं। कई ऐसे हैं जिनमें विश्वास, जिनमें भरोसा अभी भी कायम है, जिसमें पीयूष गोयल हो गए, जिसमें स्मृति ईरानी हो गई, ये सारे चेहरे, नितिन गडकरी हो गए, वो सारे चेहरे अभी भी मंत्रिमंडल में कायम है। कई दिनों से हमने देखा कि मोदी सरकार में समीक्षा हो रही थी मंत्रियों के कामकाज की, और वहां पर सभी मंत्रियों से जो कामकाज हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा था, और उसके बाद आज आखिरकार उसका निष्कर्ष। तो मोदी 2.0 की जो नई टीम है उसमें चार ऐसे चेहरे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिसमें सर्वानंद सोनोवाल भी शामिल है, पूर्व राज्य मंत्री भी 18 हैं, और पूर्व विधायक जो हैं वो 39 हैं। ये हम अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से, अलग अलग किस तरीके से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, एक तरह से खबरदार के लेंस से हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी 2.0 की नई टीम में किसका प्रतिनिधित्व और किस तरह के नए चेहरे, जिसमें नए चेहरे देखिए 36 नए चेहरे रहे हैं, और कैबिनेट मंत्री जिनका आज शपथ ग्रहण किया गया है उनकी संख्या रही है 15, और 28 राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज हुआ है, विभागों का बंटवारा बस कुछ देर में होना। अब हम आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्हें टीम मोदी से आउट कर दिया गया, और उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन पर पीएम का भरोसा कायम रहा और उन्हें प्रमोशन भी मिला। आई सर्वानंद सोनोवाल। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं अश्विनी वैष्णव। मैं किरण रिजिजू। मैं राजकुमार सिंह। आई हरदीप सिंह पुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम बढ़ाई, नए लोग लेकर आए, पुराने लोगों को प्रमोशन दिया, लेकिन ये विस्तार ऐसे फेरबदल के साथ होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। 12 मंत्री टीम मोदी से आउट हो गए। इनमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो चेहरे जो रोज टीवी पर दिखते थे, वो चेहरे जो रोज पार्टी और सरकार को डिफेंड करते थे, वो चेहरे जो पार्टी और सरकार का एजेंडा सेट करते थे। कौन सोच सकता था कि रविशंकर प्रसाद की कुर्सी चली जाएगी? कौन सोच सकता था कि डॉक्टर हर्षवर्धन हटा दिए जाएंगे? कौन सोच सकता था कि प्रकाश जावड़ेकर से इस्तीफा ले लिया जाएगा? 12 पुराने मंत्री अब टीम मोदी में नहीं है। थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाकर टीम मोदी से आउट किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा ले लिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा ले लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर गाज गिरी। शिक्षा मंत्री निशंक आउट हो गए। श्रम मंत्री संतोष गंगवार आउट हो गए। केमिकल मिनिस्टर सदानंद गौड़ा का इस्तीफा ले लिया गया। महाराष्ट्र के संजय धोत्रे की कुर्सी गई। ओडिशा के प्रताप सारंगी की कुर्सी गई। हरियाणा के रतनलाल कटारिया की कुर्सी चली गई। बंगाल से दो मंत्री देवोश्री चौधरी और बाबुल सुप्रियो का पत्ता साफ हो गया। पहली नजर में तो यही कहा जाएगा कि पीएम को इन लोगों पर अब भरोसा नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, इसी वजह से इनकी छुट्टी हुई, नहीं तो नई टीम मोदी में प्रमोशन पाने वाले भी पुराने मंत्री हैं। किरण रिजिजू को प्रमोशन मिल गया, आर के सिंह को प्रमोशन मिल गया, अनुराग ठाकुर का कद बढ़ गया, हरदीप सिंह पुरी का कद बढ़ गया, मनसुख मंडाविया को प्रमोशन मिल गया, पुरुषोत्तम रूपाला का कद बढ़ गया, जी किशन रेड्डी का कद बढ़ा, इन सभी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। जाहिर है कि इन मंत्रियों के काम को परखा गया होगा, इन्हें रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर मिले होंगे, ये राज्यों के समीकरण में भी फिट हो रहे होंगे, तभी इन सात मंत्रियों का कद बढ़ाया गया। जहां भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए, जब भी और जहां भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम
लोगों के लिए काम करते रहेंगे, यही हमारा पार्टी ने हमको सिखाया है और यही प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हम लोगों से। जिन 43 मंत्रियों ने शपथ ली उनमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 7 नाम आपको पहले ही बता चुके हैं। 8 नए चेहरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, महाराष्ट्र से नारायण राणे हैं, एमपी के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार हैं, अब तक संगठन में काम कर रहे भूपेंद्र यादव हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव हैं, जेडीयू से आरसीपी सिंह हैं, एलजेपी से चिराग के चाचा पशुपति नाथ पारस हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे प्रदान की है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। किसी भी राजनेता के लिए बड़े ही हर्ष का और गौरव का विषय होता है, केंद्र के जो सरकार है उसमें मंत्री बने और स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी होती है और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेवारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाई। बाकी 28 लोग राज्य मंत्री बनाए गए हैं, इसमें से भी सबसे ज्यादा यूपी के 7 मंत्री बने हैं। कुल मिलाकर टीम मोदी में 77 मंत्री हो गए हैं, अब भी 4 मंत्रियों की जगह और बन सकती है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी का इस वक्त का पूरा फोकस यूपी पर है, चुनाव में सिर्फ 7 महीने बचे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से बड़ा मौका था कि यूपी के सियासी समीकरण फिट किए जाएं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। इन 7 नए मंत्रियों का सिलेक्शन बहुत बारीकी से हुआ है, जातिगत समीकरण ध्यान में रखे गए, अलग अलग इलाकों का ध्यान रखा गया। इन 7 चेहरों के बारे में हम आपको बताते हैं और इनके जरिए कैसे चुनावी समीकरण सेट किए गए हैं ये भी काफी दिलचस्प है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं कौशल किशोर, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं बीएल वर्मा, मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये वो 7 चेहरे हैं जिन्हें यूपी से टीम मोदी में जगह मिली है, लेकिन इन्हें ही क्यों चुना गया, इन्हें ही क्यों मंत्रिमंडल में जगह मिली, इस सवाल का जवाब इन सभी के सियासी प्रोफाइल और इनके बैकग्राउंड से मिल जाता है। मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित पिछड़े शोषित दलित कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। पहला नाम पंकज चौधरी का है जिन्हें गोरखपुर के पार्षद से लेकर महाराजगंज के 6 बार सांसद होने तक 32 साल का राजनीतिक अनुभव है। महाराजगंज में बीजेपी का मतलब ही पंकज चौधरी है, वो कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसा ही एक दूसरा चेहरा भानु प्रताप वर्मा है जो जालौन जैसे पिछड़े जिले से है और 30 साल से बुंदेलखंड के इस इलाके में बीजेपी का झंडा बुलंद किए है। भानु प्रताप वर्मा जालौन से 5 बार के सांसद है, आजादी के बाद जालौन से दूसरी बार ही कोई मंत्री बना है। भानु प्रताप वर्मा बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो दलितों में कोरी समाज से आते हैं। दलित चेहरों में ही दूसरा नाम कौशल किशोर का है जो लखनऊ के पास मोहनलालगंज से सांसद है और बीजेपी के यूपी वाले जातिगत समीकरण में पूरी तरह से फिट बैठते हैं, क्योंकि कौशल किशोर पासी समाज से आते हैं जो जाटव समाज के बाद दलितों में सबसे बड़ा वोट बैंक है। कौशल किशोर को 2013 में बीजेपी पार्टी में लाई थी, वो 2 बार से सांसद है। नहीं, मंत्री बनने से खुश होने का मामला नहीं है, मंत्री बनने से और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ने का मामला है, इसलिए अब और ज्यादा बिजी रहना पड़ेगा और लोगों का काम और ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा मुस्तैदी से करना पड़ेगा। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करें।
कौशल किशोर और भानु प्रताप वर्मा जैसे नेताओं से दलित वोटों की गोलबंदी की कोशिश है, लेकिन जाति हो या क्षेत्र हो, बारीकी से 2022 का ध्यान रखकर मंत्रिमंडल में यूपी से जगह दी गई है। इनमें एक नाम बीएल वर्मा का है, जिन्हें पिछले साल ही राज्यसभा में लाया गया था। बीएल वर्मा बदायूं के हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और संगठन के पुराने व्यक्ति हैं। वो लोधी समाज से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बहुत करीबी हैं। उनका रोहेलखंड और ब्रज इलाके में बहुत प्रभाव है। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, इसलिए जो जो दायित्व सौंपा जाता है उसे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में बीएल वर्मा के साथ ही आगरा मंडल से एसपी बघेल को टीम मोदी में जगह मिली। एसपी बघेल आगरा से बीजेपी के सांसद हैं। इनकी सियासी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे तो एसपी सिंह बघेल उनकी सुरक्षा में तैनात थे। यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। 1998 में उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया और वो चुनाव जीत गए, लेकिन बाद में वो बीएसपी में चले गए। बीएसपी ने उन्हें 2010 में राज्यसभा भेज दिया। बाद में उन्होंने बीएसपी भी छोड़ दी और बीजेपी में आ गए। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो वो मंत्री बन गए। यानी पार्टी कोई भी हो, एसपी सिंह बघेल का प्रभाव हमेशा रहा है और यही वजह है कि 2022 को ध्यान में रखकर ब्रज के इलाके से एसपी सिंह बघेल को टीम मोदी में शामिल किया गया। इसी तरह से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्र को जगह मिली, जो लखीमपुर खीरी से बीजेपी के दो बार से सांसद हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर टीम मोदी में जगह मिली, जो मिर्जापुर से सांसद हैं। इन सात चेहरों में सातों अलग अलग समाज के हैं और अलग अलग इलाकों के हैं। इनको मोदी मंत्रिमंडल में लाकर यूपी का चुनावी गेम सेट कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। इसे आप विस्तार और फेरबदल की ऐसी लहर कह सकते हैं जिसमें खुद को सेफ समझ रहे लोग भी डूब गए और जिन्हें हटाए जाने की चर्चा थी वो बच गए। अश्विनी चौबे जैसे नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन इस बड़े उलटफेर के बाद अब मोदी सरकार की नई कैबिनेट की शक्ल कैसी होगी ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले अनुभव की बात करते हैं। अब मंत्रिमंडल में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं, 39 पूर्व विधायक हैं, 23 ऐसे सांसद हैं जो 3 से ज्यादा बार लोकसभा में चुनकर पहुंचे, 46 मंत्रियों को केंद्र सरकार के साथ पहले से ही काम करने का अनुभव है। कैबिनेट विस्तार में प्रोफेशनल लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई है। 43 मंत्रियों में से 31 उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, 13 वकील हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा 7 पूर्व नौकरशाह भी हैं। अब मोदी कैबिनेट में 7 मंत्री पीएचडी धारक हैं, 3 एमबीए डिग्री धारक और 68 मंत्री ग्रेजुएट। मोदी कैबिनेट की नई टीम की औसत उम्र 58 वर्ष है। इनमें 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। मंत्रिपरिषद में महिला सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। नए मंत्रियों की टीम में एससी एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से 12 नए मंत्री हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय से 8 सदस्य हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी सरकार की टीम में कुल 27 ओबीसी नेता हैं। ये सियासत की सोशल इंजीनियरिंग है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का नया चेहरा अब आकार ले चुका है। इसमें जो चेहरे सबसे ज्यादा चमक रहे हैं, उन चेहरों में सबसे ज्यादा चमक ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर थी, जिन्होंने पिछले साल ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल पकड़ लिया था। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जिसके बाद बीजेपी ने पहले उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और अब वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। वैसे तो सिंधिया के पास मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने का अनुभव है, लेकिन मोदी कैबिनेट में कुर्सी पर बैठने की जल्दबाजी में वो शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति को नमस्कार करने की रस्म निभाना भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे प्रदान की है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह नारायण राणे को भी कांग्रेस का मोह त्यागने का इनाम मिला है।
मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। शिवसेना से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नारायण राणे 10 महीने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और फिर अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन अक्टूबर 2019 में वो बीजेपी में आ गए और अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूं। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वालों में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल हैं, जो हाल ही में हिमंत बिस्वा सरमा के लिए असम का मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली आए हैं। आई सर्बानंद सोनोवाल डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। इस त्याग का फल उन्हें मोदी कैबिनेट में वापसी करके मिला है। वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2014 से 2016 के बीच खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय देखते थे। हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दूसरी बार के लिए भारत माता को सेवा करने के लिए मौका दिया है, अपने कैबिनेट में जगह दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अजी होकर अलग गुट बनाने वाले एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस की किस्मत ने भी पलटी खाई है। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं। वैसे ये चिराग पासवान से दूरी बनाने का नतीजा है या कुछ और, लेकिन हाजीपुर सीट से सांसद पशुपति पारस अब मोदी कैबिनेट का चेहरा बन चुके हैं। उनके प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मोदी कैबिनेट के नए नवेले मंत्रियों में चुनावी कौशल के लिए मशहूर भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं, जो राजस्थान से आते हैं और 2012 से राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी में महासचिव की भूमिका निभाने वाले भूपेंद्र यादव को राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है, जिसका इनाम उन्हें मंत्री पद के रूप में मिला है। पश्चिम बंगाल कोटे के मंत्री बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा लेने के बाद राज्य से 4 नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इनमें डॉक्टर सुभाष सरकार बांकुरा लोकसभा सीट से पहली बार के सांसद हैं। मोदी सरकार में नए मंत्री बने शांतनु ठाकुर भी बोगांव लोकसभा सीट से पहली बार के सांसद हैं। वो मतुआ समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं। जॉन बारला अलीपुर द्वार लोकसभा सीट से पहली बार के सांसद हैं। और चौथा नाम है निशीथ प्रमाणिक का, जो मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले सबसे युवा मंत्री हैं। सिर्फ 35 साल के प्रमाणिक कूच बिहार सीट से लोकसभा सांसद हैं। वो पहले टीएमसी में थे। मोदी की नई कैबिनेट में नारी शक्ति का दबदबा भी बढ़ा है। अब मोदी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। वो 2016 से 2019 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थी। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा होने के बाद वो दिल्ली के कोटे से कैबिनेट में पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली लेखी संसद की कई अहम समितियों की सदस्य हैं। उडुपी चिकमंगलूर से लोकसभा सांसद शोभा करंदलाजे फिलहाल कर्नाटक बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। सीएम बीएस येदियुरप्पा की करीबी समझी जाती हैं। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता, जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। इस तरह अब मोदी कैबिनेट का सॉफ्टवेयर अपडेट संपन्न हो गया है। अब सरकार का प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम करता है, इस पर सबकी नजर होगी। आज तक ब्यूरो।